और आज के डे में हम फाइनली बिल्ड करने वाले सर्कल फार्म। और देखो मैं काफी टाइम से सोच रहा था सर्कल फार्म बनाने का, और मैं बना नहीं रहा था क्योंकि अभी देखो मुझे आलस आता है सर्कल फार्म बनाने में। देखो फार्म बनाने में तो कोई आलस नहीं आता, वो सर्कल ट्रांसफर करने में आलस आता है। और क्योंकि अभी देखो नेक्स्ट प्रोजेक्ट में हमको काफी ज्यादा सर्कल भी चाहिए, इसलिए मुझे मजबूरी में बनाना ही पड़ेगा ये फार्म। ओके गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके अभी सबसे पहले हमको मटेरियल इसमें कलेक्ट करना पड़ेगा, और देखो मैंने सारी लिस्ट यहाँ पे बना के रखी है। उसमें देखो सबसे पहले 1800 जितना हमको बिल्डिंग ब्लॉक चाहिए, उसके बाद 300 जितना हमको ऑब्सीडियन चाहिए, और 100 हमको बटन चाहिए, और 64 हमको टेम्परेरी ब्लॉक भी चाहिए, और 53 हमको स्लैब चाहिए। ओके हमको देखो इतनी सारी चीज़ें चाहिए। ओके सबसे पहले सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं। और देखो मैं टेम्परेरी ब्लॉक में हमें ग्लास यूज़ करने वाला हूँ, इसके लिए सबसे पहले मैं ग्लास मेल्ट करने के लिए यहाँ पे रख देता हूँ। और आपको पता ही होगा हमारे पास पूरा ग्लास का फार्म है, सॉरी सेंड का फार्म। और देखो इसमें काफ़ी ज़्यादा कोल भी बचा हुआ है। ओके सबसे पहले चलते हैं हमारे सेंड लेने के लिए, हमारे क्या बोलते हैं एंड में। ओके अभी मैं एंड में आ चुका, और यहाँ पे देखो मैंने सेंड फार्म बना के रखा है, सॉरी इसको फार्म तो नहीं करेंगे हम, सेंड डुप्लीकेटर कहेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सेंड तो होगी साइड से। ओके खुल जा भाई। ओ भाई साहब एक भी सेंड नहीं है, इतनी ही है, फिर दूसरे में देखते हैं। आई होप कि सेंड होनी चाहिए मुझे, वरना वापस से यहाँ पे एफ के रहना पड़ेगा। ओके इतनी सारी है हमको, क्या बोलते हैं एक साल का बढ़ के ही सेंड चाहिए। ओके इतना तो हो जाएगा अभी, और अभी देखो थोड़ी बाकी हो तो अभी क्या बोलते हमारे बेस पे भी होगी। और देखो हमने पिछले एपिसोड में क्या बोलते एंड आइलैंड को गोल्ड आइलैंड में ट्रांसफर किया था, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख लेना। ओके अभी सारी चेन को पिघलाने के लिए रख दिया। ओके अभी नेक्स्ट अभी हमको चाहिए ऑब्सीडियन काफी ज्यादा, ऑलमोस्ट 300 जितने। और देखो हमारे पास ऑब्सीडियन ये रहा है, क्या बोलते मैंने पिछली वीडियो में निकाले थे वहां से एंड आइलैंड से। ओके अभी देखो और भी थोड़े चाहिए, और देखो यहाँ पे मेरे पास पूरा खजाना है, इसमें कहीं पे तो होगा ही ऑब्सीडियन, ढूंढते हैं यहाँ पे। ओके ये रहा 35 ऑब्सीडियन। ओके इतने से तो काम हो जाएगा। ओके सबसे पहले सारी चीज़ों को सर्कल बॉक्स में रख देता हूँ मैं। ओके अभी नेक्स्ट अभी हमको चाहिए 100 बटन। ओके देखो यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा स्टोन भी है, और देखो यहाँ पे भी थोड़ा ग्लास पड़ा हुआ है, और आराम से हो जाएगा 1800 ग्लास के। बटन भी आ चुके हैं, इसको भी रख देते हैं यहाँ पे। और अभी नेक्स्ट अभी हमको चाहिए थोड़े से टेम्प्ररी ब्लॉक, वो यहाँ से ले लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ओके अभी हमको चाहिए स्लैब, और देखो यहाँ पे हमारे खजाने में हो गए, देखो ये रहा। और उसके बाद हमको चाहिए 27 पावर रेल, उससे पहले हम सो जाते हैं। ओ भाई साहब मेरा बेड कहाँ गया, वहाँ पे है हमारा आयरन गोलम के स्टैचू के पास। और देखो ये आयरन गोलम का स्टैचू भी मैंने बनाया, ये वीडियो भी किसी ने नहीं देखा, ये भी देख लेना एक बार वीडियो। ओके यहाँ पे मकड़ी थी, सोने दे तो अच्छी बात है अभी। और आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा पूरा रेल का भंडार है यहाँ पे, यहाँ से एक ले लेते हैं एक्सटेक रेल। उसके बाद चाहिए हमको स्नो ब्लॉक थोड़े से। ओके सील टच वाली है शायद से मेरे पास। ओके हमको नॉर्मल चावल चाहिए सबसे पहले, के रही नॉर्मल चावल, अभी चलते स्नो कलेक्ट करने के लिए, और स्नो तो हमारे यहाँ पे भी होगी। ओके यहाँ से सबसे पहले थोड़ी स्नो कलेक्ट कर लेते हैं। ओके 16 क्या बोलते स्नो आ चुकी है, और अभी हमको चाहिए थोड़े ट्रैप डोर, और ट्रैप डोर भी यहीं पर कहीं पर हो गए। ओके इसमें ट्रैप डोर नहीं है एक भी। ओके 6 यहाँ पे है, वो ले लेते हैं। ओके रहे यहाँ पे थे, और उसके बाद जाए हमको कब पंकिन, वो भी थोड़ा ढूंढना मुश्किल है, शायद से मेरे पास पंकिन तो नहीं है। देखो ये यहाँ पे मैंने रखे पर ये काम नहीं आएंगे, देखते हैं यहाँ पे कहीं पे हो तो हमारे पास, के एक भी पंकिन नहीं, वरना उसको मैं ग्रो कर लेता। और देखो ये हमारी सबसे पहली पिकेक्सिस वर्ल्ड की, अभी तक मैंने संभाल के रखी यहाँ पे। ओके पंकिन के सीड ये रहे, और देखो यहीं पे भी काफ़ी ज़्यादा ग्लास पड़ा हुआ है। ओके यहाँ पे लगा देते हैं पंपकिन को हम। ओके यहीं पे नहीं लगेगा क्योंकि उसको ग्रो करने के लिए साइड में भी ब्लॉक चाहिए। रुको उसके लिए मुझे भी प्रॉपर फार्म भी बनाना पड़ेगा। ओके अभी यहाँ पे पंपकिन को लगा देते हैं। ओके देखो मुझे वापस से क्या बोलते हैं एडवांसमेंट मिली, क्योंकि अभी मैंने देखो ओरिजिनल माइनक्राफ्ट बाय कर ली है आपने, मैंने आपको बताया पहले इसलिए। ओ भाई साहब मैं कितना बड़ा पागल हूँ, देखो मेरे पास यहाँ पे पूरा पंपकिन का फार्म है, मैंने अलग से पंपकिन का फार्म बनाया, और यहाँ पे देखो भर भर के पंपकिन होगा, देख सकते हो हमक है इतनी मैंने मेहनत की। ओके अभी मैं क्या ढूंढ रहा था मैं ही भूल गया। ओके देखो मैं चेस्ट ढूंढ रहा था, चेस्ट नहीं मिल रही कहीं पर भी। ओके मुझे क्राफ्टिंग करनी पड़ेगी अभी तो। ओके जितनी चेस्ट बनती उतनी बना ही लेता हूँ। ओके अभी मैं आयरन हूँ, मुझे यहाँ पे कहीं पे दिखा था पहले, देखो ये रहे काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक आयरन के ओपर बनाने के लिए। ओपर इसमें हमको 3 ओपर चाहिए, 1 2 3। ओके 3 ओपर भी हो चुके, चेस्ट भी आ चुकी है, और अभी नेक्स्ट अभी हमको ग्लास प्लेन चाहिए, वो तो अभी ग्लास तो यहीं पे रखे थे मैंने, इसे इसे से बना लेता हूँ मैं। और उसके बाद चाहिए हमको लीवर, लीवर भी आ चुके हैं, और भी हमको सबसे पहले चाहिए नॉर्मल रियल, वो भी ये रही काफ़ी ज़्यादा है। और अभी नेक्स्ट अभी हमको चाहिए वाइन, वो भी पता नहीं किस ट्री पे ग्रो करती है, वो लास्ट में हम देखेंगे। ओके अभी उसके बाद चाहिए हमको चेन,
वो भी आयरन से बनती है। उसके बाद चाहिए हमको दो माइन कार्ट, 1-2 ये भी आ गई। उसके बाद चाहिए एक बकेट लावा की, सबसे पहले इसको रख देता हूँ यहाँ पे, और इसको क्या बोलता हूँ काव पंकिन में कन्वर्ट कर लेता हूँ मैं। और कभी लावा को हम लास्ट में लेने जाएंगे नेदर में, उसके लिए मुझे अभी पूरा नेदर में जाना पड़ेगा। उसके बाद हमको चाहिए बैनर, शायद वुल्का ही बनता है बैनर, भी पक्का नहीं पता मुझे, ट्राई करते हैं अभी। ओके देखो वुल्का ही बनता है बैनर। और उसके बाद चाहिए हमको स्ट्रिंग, ओके ये रही। आधा से ज़्यादा सामान तो मुझे यहीं से मिल गया। और एक चाहिए वेदर रोस, वो मैंने काफ़ी ज़्यादा कलेक्ट किए थे, अभी पता नहीं कहाँ पे मैंने रखे हैं, मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा आराम से। मैंने कहीं पे यूज़ तो किए थे, अभी पता नहीं कहाँ पे यूज़ किए थे, मैंने अभी याद नहीं आ रहा है। ओके एक एक्टिवेटर रेल चाहिए, वो भी कैसे बनता है मुझे भी नहीं पता, एक रुको एक बार देखने दो मुझे अभी। ओके हमको इसके लिए क्या बोलते हैं रेस्टोन टॉर्च चाहिए, और उसके लिए टॉर्च बनाने के लिए हमको रेस्टोन चाहिए। ओके टॉर्च ही मिल गई हमको। और उसके बाद हमको एक चाहिए पिस्टन, पिस्टन कैसे बोलते हैं अभी। ओके फाइनली पिस्टन भी आ चुका है यहाँ पे। और उसके बाद हमको चाहिए एक माइंड कट विथ होपर, और ये माइंड कट विथ होपर। ओके अभी हमारा ऑलमोस्ट सारा सामान कलेक्ट हो चुका है, अभी देखते हैं सेंड का क्या हुआ। ओके सारी पिघल गई है। ओके सबसे पहले इसको क्या बोलते हैं व्हाइट ग्लास में ट्रांसफर कर लेते हैं, क्योंकि व्हाइट ग्लास दिखने में भी काफ़ी अच्छा होता है। और अभी सिर्फ हमको चाहिए वाइन और लावा की बकेट, और तो कुछ नहीं बच रहा। ओके सबसे पहले लावा की बकेट ले आते हैं, और देखो एक लावा की बकेट लेने के लिए मुझे पूरा नेदर में आना पड़ा। और देखो हमको वेदर रोज भी चाहिए, वो तो मैं भूल ही गया, वो शायद से मेरे पास पड़ा हुआ है यहाँ पे कहीं पे, वो भी एक बार मुझे देखना पड़ेगा। ओके अभी देखो सबसे पहले वाइन कलेक्ट करते हैं, वो भी देखो जंगल वाले ट्री में तो उगती है, और मेरे पास उसकी सेपलिंग भी शायद से पड़ी होगी यहाँ पे। देखो बाम्बू है तो सेपलिंग तो होगी ही मेरे पास। ओके मेरे पास एक भी सेपलिंग नहीं है जंगल वाले की, मैंने यहीं पे ट्री उगाए थे, मुझे भी याद है एक बार, वो कहाँ गई पता नहीं अभी। ओके अभी मुझे जंगल बायो में ही जाना पड़ेगा। ओके अभी चलते जंगल वाले बायो में और वाइन कलेक्ट करते हैं वहाँ से, उसके बाद वेदर उसको भी कहीं से ढूंढ लेंगे, वरना उसके लिए मुझे अभी एक वापस एक वेदर स्पॉन करना पड़ेगा। फाइनल गाइस मैं जंगल बायो में आ चुका था, और मैंने वाइन भी यहाँ पे कलेक्ट कर ली थी। और अभी देखो मेरा माइक बंद था, मैंने ऐसे ही बकबक कर रहा था यहाँ पे, अभी मुझे दिख पता चला। और एक चीज़ आपको बता रहा था, देखो इस बार हमको जो वेदर रोज चाहिए थे वो कोई फार्म में तो काम नहीं आने वाले थे, वो क्या बोलता फार्म में जो हमारे पोर्टल बनेंगे उसमें से पिंगलिंग जो स्पॉन होते हैं उसको मारने के लिए काम आने वाले थे। और अभी देखो पिंगलिंग को मारने के लिए हम दूसरे भी क्या बोलते मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे फॉल डैमेज से। और कभी चलते वापस से बेस पे और फार्म बनाना स्टार्ट करते हैं, अब टाइम लेफ्ट को एंजॉय कीजिए। और अभी देखो इसमें हमको सल्कर बॉक्स डालना है यहाँ पे बीच में, उसके लिए अभी मुझे सबसे पहले सल्कर बॉक्स लेने जाना पड़ेगा एंड में। ओके गाइस अभी सबसे पहले मैं एक एन सिटी ढूंढ लेता हूँ, क्योंकि मेरे आसपास की तो सारी एन सिटी में मैंने लूट ली है, वहाँ पर तो एक भी सल्कर नहीं होगा। ओके अभी एक एन सिटी ढूंढता हूँ, उसके बाद सारे क्या बोलते रस्ते वो सारी बना था, उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट मिलता हूँ। और फाइनल गाइस हमको एन सिटी यहाँ पे मिल चुकी है, और देखो यहाँ पे एक और एक एन सिटी है। ओके अभी देखो मैंने एंड गेटवे भी यहीं कहीं पर ढूंढा था, अभी मैं भूल गया कहाँ पे था वो, तो एक बार मुझे ढूंढने दो, मैंने वहाँ पे मार्क भी लगाया था। ओके देखो ये रहा एंड गेटवे, उसके नीचे देखो इस पिलर के नीचे है। और देखो मैंने एंड गेटवे क्या बोलते चंग बेस से ढूंढा था, और उसके बाद मैं पिलर बना के रेंडर इसने जैसे ही बढ़ाया तो एन सिटी दिख चुकी थी मुझे। और कभी यहाँ से वहाँ तक और रेल बिछाता हूँ सर्जे करता, उसके बाद आपको मैं डायरेक्ट मिलता हूँ। और देखो मैंने क्या बोलता हूँ हमारे एंड आईलैंड पे भी मैंने सारी तैयारी कर रखी है सल्कर को क्या बोलता हूँ ओवर रोड में ले जाने की। और उसके बाद देखो मैंने रेल सिस्टम कंप्लीट कर लिया था हमारे एंड गेटवे तक, और उसके बाद बड़ी मुश्किल से मैंने इस एक सल्कर को इसमें बिठाया बोट में। और उसके बाद देखो इस ग्लिच की मदद से मैंने इसको क्या बोलते आगे धकेल दिया, अभी ये ऑटोमेटिक क्या बोलते एंड गेटवे तक पहुंच जाएगा बिना पावर रेल के। ओके उसके बाद फाइनली वो चला गया हमारे एंड में, और उसके बाद मैंने देखो यहाँ पे मुश्किल से उसको बोट से अलग कर दिया, और उसके बाद वापस से मैंने इसमें माइंड कार्ट में बिठा के यहाँ से धक्का दे दिया, और उसके बाद वो ओवर रोल में चला गया। और उसके बाद ओवर रोल में आते ही मुझे देखो हवा में उड़ा दिया उसने, और उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ पे कैप्चर कर दिया, और उसके बाद उसको वापस से माइंड कार्ट में बिठा के हमारे फार्म तक उसको ले गया। और उसके बाद देखो अपने आप माइंड कार्ट से वो अलग हो गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक्टिवेटर रेल लगाई थी इसलिए। और अभी देखो थोड़ी देर में अपने आप अपनी जगह पे टेलीपोर्ट भी कर जाएगा बीच में हमारे फार्म में, और उसके बाद उसने यहाँ बीच में टेलीपोर्ट कर दिया था आप देख सकते हो सही जगह पे, और मैं काफ़ी खुश हुआ था यहाँ पे। और अभी देखो फार्म का मेन सरदर्द तो खत्म हो चुका है सल्कर को इसमें डालने का, अभी सिर्फ हमको पोर्टल और सारी चीज़ें बनानी किलिंग एरिया। ओके अभी आप टाइम लैप्स को एंजॉय कीजिए। It's not a game, it's a redstone.
और फाइनल गाइस हमारा सल्कर फार्म रेडी हो चुका है। और देखो यहाँ पे पिगलिन को मारने के लिए भी मैंने काफ़ी अच्छा सिस्टम बनाया है। और भाई देखो अभी तक मैंने फार्म को टेस्ट नहीं किया है, अभी मैं आपके सामने ही करने वाला हूँ टेस्ट। आई होप के काम कर जाए, वरना इतनी मेहनत की वो सारी बर्बाद हो जाएगी मेरी। ओके फाइनली मैंने फार्म को स्टार्ट कर दिया है, तो कभी देखते हैं सल्कर टेलीपोर्ट होता कि नहीं होता। ओके शायद से फार्म वर्क नहीं कर रहा है, अभी देखना पड़ेगा मुझे। ओके इसको सबसे पहले बंद करते हैं यहाँ से। A few moments later. Okay, finally, अभी शायद से फार्म वर्क कर रहा है। एक तो टेलीपोर्ट किया क्या बोलते सल्कर नेदर में। और देखो इसमें ना बीच में मैंने एक बटन था वो मैंने निकाल दिया था, उसकी वजह से वर्क नहीं कर रहा था, इसलिए वापस से मैंने लगा दिया वहाँ पे। देखो वापस एक टेलीपोर्ट किया। ओके अभी चलते हैं एंड में, अलग सॉरी नेदर में। और फाइनल गाइस आप देख सकते हो हमारा फार्म वर्क कर रहा है। और देखो यहाँ पे सल्कर शेयर भी थोड़े कलेक्ट हो गए हैं। ओके अभी चलते हैं ओवरऑल में और एक घंटे तक AFK करते हैं और देखते हैं हमको कितने सल्कर शेयर मिल पाते हैं। ओके गाइस एक घंटा AFK करने के बाद हमको देखो इतने ज़्यादा सल्कर शेयर मिल चुके हैं। और अभी शायद से हमको सल्कर की भी कमी नहीं होनी चाहिए, इतने ज़्यादा है सल्कर शेयर। ओके अभी देखो एक साथ तो मैं सभी को क्राफ्ट नहीं करने वाला, जैसे हमको जरूरत पड़ेगी ऐसे हम क्राफ्ट करते जाएंगे। ओके गाइस आज का वीडियो बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।